2000 के शुरुआती दौर में मिस्र के काहिरा और अलेक्जेंड्रिया शहरों के बीच ट्रेन की पटरियों के किनारे 10 से 14 साल के बच्चों की लाशें मिलना शुरू हुई। पहले एक, फिर दो, फिर तीन और इसके बाद मासूमों की लाशें मिलने का सिलसिला बढ़ता जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चों के साथ कुकर्म के बाद उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास और ट्रेनों में जासूस लगाए, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लग रही थी। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी मिस्र के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने राजधानी काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, क्लूबिया और बेनी सूफिया सहित मिस्र के कई स्थानों पर 7 साल के दौरान कम से कम 32 बच्चों के बलात्कार और उनकी हत्या की थी। उसके सभी शिकार 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे थे, उसमें से अधिकांश लड़के थे। ये बच्चा या तो अनाथ थे या ट्रेन में भटके हुए थे। अफसोस की बात ये रही कि ये दरिंदा फांसी पर लटकाए जाने के बाद इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए इसके नाम का इस्तेमाल किया। इस जालिम का नाम था रमज़ान अब्दुल रहीम मंसूर, जिसे लोग अल्टर बेनिनी के नाम से भी जानते हैं। 1980 में पैदा हुआ रमज़ान अब्दुल रहीम मंसूर मूल रूप से काहिरा के उत्तर में स्थित मिस्र के एक छोटे से गांव तांता से था। 12 साल की उम्र में मंसूर अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए एक स्थानीय रेलवे स्टेशन पर एक छोटे से कैफे में काम करना शुरू किया। पहले ही दिन के अंत में अपने माता पिता को अपनी मजदूरी से कमाई पैसे को सौंपने के लिए घर लौट रहा था। वो खुश था कि आज उसने पहली बार कमाई की थी। उसको उम्मीद थी कि वो अब क्योंकि काम कर रहा है उसके घर की हालात सुधरेगी, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। दुर्भाग्य से युवा लड़के के पड़ोस के एक गैंगस्टर ने रास्ते में ही उसे रोक लिया और उसे बेरहमी से धमकाया और उसके कमाए सारे पैसे ले लिए। युवा मंसूर बच्चा था, कमजोर था, वापस लड़ने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं। वो रोता हुआ घर चला गया, ये सोच के कि ये एक दिन की घटना होगी। मायूस था लेकिन उम्मीद थी कि कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं वो होता नहीं। उस लोकल गैंगस्टर ने सिलसिला ही बना लिया। वो रोज़ उसके पैसे छीन लेता और उसे मारने की धमकी देके भेज देता। उसने मंसूर को इस हद तक डरा दिया था कि ये रोज़ की बात आम हो गई थी। वो रोज़ कमाता और उसे पैसे दे देता। उसने किसी से मदद भी नहीं मांगी। वो अपनी नौकरी छोड़ने की सोचता, लेकिन वो भी ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी गरीबी और ये उम्मीद कि कल शायद सब ठीक हो जाए उसे ये करने नहीं दे रही थी। मंसूर से जब तक हो सका उसने अपने ऊपर उत्पीड़न और अपनी गाड़ी कमाई की चोरी को सहता रहा। लेकिन एक दिन तो सब्र का बांध टूटना ही था। आखिरकार मंसूर ने उस गैंगस्टर से लोहा लेने की ठानी। उसने सोच लिया कि आज जब वो पैसा लेने आएगा तो वो उसे पैसे नहीं देगा और उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। मंसूर के मुताबिक उसने उस दिन हिम्मत की और काम से लौटते वक्त वो गैंगस्टर उससे पैसे लेने पहुंचा तो उसने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। इस पे उस ठग ने उससे बहुत पीटा और साथ ही उसके साथ रेप किया। फिर उसे उठा के ट्रेन में ले गया और चलती ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन से फेंके जाने के कारण मंसूर को गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसकी दाहिनी आंख जीवन के लिए खराब हो गई। उसे दुर्घटना के बाद कई महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। स्वाभाविक रूप से इस मुठभेड़ के कारण मंसूर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जब मंसूर को अस्पताल से रिहा किया गया तो उसने घर लौटने के बजाय अपने अतीत से भागना चुना। मंसूर की जेब खाली थी और उसका दिल भावनाओं से रहित था। मंसूर ने काहिरा जाने का फैसला किया। इस कदम से उसने खुद को जीवन में पहली बार अकेला पाया। वह बेसहारा भूखा था, जिससे वह स्थानीय गिरोह का प्रमुख बन गया, जिसने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। अप्रत्याशित रूप से गैंगस्टर का जीवन सहज नहीं था। इस दौरान उसे जीवन के कई और क्रूर सबक मिले। किसी भी गलती के लिए गैंग लीडर द्वारा रेजर ब्लेड से शरीर को जख्म देके पुरस्कृत किया जाना एक आम सी बात थी। हालांकि रमजान मंसूर एक अच्छा स्टूडेंट था। वो अपनी गलतियों से तुरंत सीखता और अपने ऊपर आई पीड़ा को आत्मसात कर लेता था और गर्व से अपनी चोट के निशान को दिखाया करता। वो लगातार उन लोगों के प्रति अपनी प्रतिशोध की भावनाओं को जगाता रहता जिन्होंने उसे पीड़ा दी थी। आने वाले वर्षों में मंसूर ने खुद को एक गैंग लीडर के रूप में साबित किया और वह गिरोह में तेजी से बढ़ा। जल्द ही वह गैंग का लीडर था। अब वह कोई शिकार नहीं था बल्कि शिकारी था। उसके सत्ता में आने के कुछ समय बाद हत्याएं शुरू हो गईं। दुर्भाग्य से मसीहा बनने की बजाय गिरोह के भीतर पिछले अन्याय का बदला लेने के बजाय रमज़ान अब्दुल रहीम मंसूर काहिरा की सड़कों पर रहने वाला सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन गया। जिन सब ने उसके साथ अब तक टॉर्चर किया था उन सबको मार दिया गया। मंसूर ने उस नई शक्ति का आनंद लिया जो उसके पास अपने जीवन में पहले कभी नहीं थी। ताकत का जिन उसके चारों कंधों पर पूरी तरह से बैठा था। वह सिर्फ एक क्रूर हृदयहीन हत्यारा नहीं बन गया, वह एक क्रूर हृदयहीन बलात्कारी भी बन गया। शुरुआत में उसके शिकार उसके अपने गिरोह के लोग थे जो उसके पक्ष में नहीं होते थे। मंसूर के गिरोह का एक 12 वर्षीय सदस्य अहमद नगोई ऐसा ही एक शिकार था। किसी तरह वह मंसूर के चंगुल से भागने में कामयाब रहा और भागने के बाद उसने स्थानीय पुलिस को बलात्कार के प्रयास की सूचना दी। उसकी रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और मंसूर को पुलिस द्वारा इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया। लेकिन यह मामला बन गया कि सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन था। जब कोई गली का ठग किसी व्यस्त पर हमले और बलात्कार का आरोप लगाता है, साथ ही जब कोई सबूत या गवाह आरोप के साथ ना हो, तो अधिकारियों के कान और आंखें बहरी और अंधी हो जाती हैं। अहमद नगोई के मामले को खारिज कर दिया गया, लेकिन पुष्टि करने वाले सबूत जल्दी भयानक अंदाज में सामने आने वाले। स्थानीय पुलिस द्वारा घंटों तक पूछताछ किए जाने पर मंसूर ने बहुत बुरे तरीके से प्रतिशोध लिया। मंसूर ने अहमद के साथ बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या कर दी, फिर उसके बेजान शरीर को चलती ट्रेन से फेंक दिया, एकदम वैसे ही जैसे कभी उसके साथ किया गया। उसे इससे मिलने वाले दर्द का अंदाजा था और उसने वही कष्ट अहमद को भी दिया।
जिस घटना ने उसे यहाँ पहुँचाया था उसने वही आज दूसरों के साथ करना चालू कर। इसके बाद यह उसका मॉडस ऑपरेंडी बना और वह जल्द ही अब अल्टर बुनी के रूप में जाना जाने लगा। यह वही नाम था जो उस गैंगस्टर का था जिसने उसका यौन शोषण किया था जब वह खुद 12 साल का था। हालांकि अपने नए नाम से शर्माने की बजाय उसने इसे स्वीकार कर लिया और अगले 7 वर्षों के लिए काहिरा वाया अलेक्जेंड्रिया से बैन सुफाई तक उसने 10 से 14 साल की उम्र के 32 लड़कों के साथ क्रूरता, बलात्कार और हत्या की। रमजान अब्दुल रहीम मंजूर की आत्मा से सभी सहानुभूति, विवेक के सभी निशान निचोड़ लिए गए। वह और उसके 6 बेखौफ साथी ट्रेन के ऊपर बलात्कार करते, मारते और क्रूरता करते थे, फिर उन्हें तेज रफ्तार ट्रेन से फेंक देते। चाहे वे मृत हों या वो मुश्किल जीवित, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अगर 2006 में पुलिस को रेल पटरियों के किनारे 3 लाशें नहीं मिली होती तो यह सिलसिला सालों तक चलता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ सबूत मिले जिसके आधार पर मंसूर के 2 साथियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस वालों ने उन दोनों को अपने पुलिसिया अंदाज में इंटरोगेट किया, जिसमें पहले तो उन्होंने किसी भी क्राइम में भागीदार होने से मना किया, जैसा कि अक्सर सारे ही मुजरिम करते हैं। लेकिन पुलिस के इंटरोगेशन ने उन्हें जल्द ही सच बताने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद मंसूर और अन्य 4 साथियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वे सभी 7 अदालत गए। उनका दोष स्पष्ट था। मंसूर के अलावा सभी ने अपनी अलग अलग कहानी सुनाई, ये सोच के कि कहीं सजा कम हो जाए। लेकिन मंसूर ने किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं दिखाया। बजाय इसके कि वो बचने के लिए कोई झूठ का सहारा लेता, उसने अपने सारे क्राइम ऐसे बताए जैसे उसे हर एक घटना याद थी। वो कहानी की तरह सारे घटनाओं को बताते गए बिना किसी डर के या किसी पछतावे के। परीक्षण के दौरान मंसूर ने 32 युवा लड़कों के साथ बलात्कार करने और उनकी हत्या करने की बात कबूल की, फिर भी पुलिस केवल 15 लाश बरामद कर पाई। उसने कई पीड़ितों को नील नदी में फेंक दिया था, कईयों को जिंदा दफन कर दिया था और कईयों को तो चलती ट्रेन से फेंक दिया। उसके जानलेवा अपराध की कहानी देश भर में आग की तरह फैल गई। वो रातों रात हर घर में चर्चा का विषय बन गया। न्यायाधीश ने जघन अपराधों के अनुरूप सजा सुनाई। 2007 में उसके 5 साथियों को जेल की सजा दी गई। सबसे कठोर फैसला मंसूर और उसके गुर्गे फरक समीत अमूर को दी गई। उन दोनों को मृत्यु दंड दिया गया और 3 साल बाद 16 दिसंबर 2010 को बुर्ज अल अरब जेल में उन दोनों को फांसी दे दी गई। उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया, जिसके बाद जल्लाद ने लीवर खींचा जिससे उसका पृथ्वी से संबंध टूट गया। उन्हें तब तक लटका के रखा गया जब तक उसने अपनी अंतिम सांस न ली। रमजान अब्दुल रहीम मंसूर के आतंक का शासन खत्म हो गया और एक क्रूर सीरियल किलर जिसे अल तोरबिनी के नाम से जाना जाता है, काहिरा की सड़कों से हमेशा के लिए हटा दिया। एक सिस्टम जो शुरुआत में अहमद नगोई और 21 युवा पीड़ितों को न्याय देने में असफल था, अंततः उनको न्याय मिला और इस हैवान को अंत में वही मिला जिसका वो हकदार था।